मैं तो अट्रैक्ट होता जा रहा हूँ आपकी तरफ। तो हो जाइए, दिक्कत क्या है? है उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, या वो नंगे डांस कर रही है? क्या लड़कियाँ सिर्फ व्यूज के लिए वीडियोस वगैरह बनाती हैं? फालतू में वीडियोस बनाती है, तो कुछ नहीं कर पाएगी लाइफ में ये। और हम यही चाहते हैं कि हम इतना कमाएं ना कि पापा भी मेरे प्राउड। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और शानदार इंटरव्यू वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर मैं इंटरव्यू वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और आज उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। और आज ऐसे शख्स के साथ में आज इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में, मतलब वो धमाल मचारी भोजपुरी सॉन्ग्स पे वो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा, और वो बहुत ही खूबसूरत भी हैं और खूबसूरत से वीडियोस भी लेकर आती हैं। कुछ ना कुछ उनके अंदर ऐसे टैलेंट छिपे हुए हैं, शायद उनकी वजह से ये जानी जाती हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते, आपको मिलाते हैं माही मिश्रा जी से। तो फाइनली दोस्तों, इंतजार की घड़ी खत्म होती है, हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं हमारे स्पेशल गेस्ट। तो कैसे हैं आप माही? बढ़िया हैं, आप बताइए। मॉम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो थैंक यू, बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि आपके साथ में एक इंटरव्यू लेकर आऊं। और हमारे जो दर्शक हैं काफी दिनों से इंतजार भी कर रहे थे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोज नहीं देखने को मिल रहे थे, तो अब इंतजार की घड़ी खत्म होती है। देखिए, एक ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल इन्फ्लुएंसर आपके साथ में यहाँ पर बैठी हुई है। तो चलिए इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में, कैसे क्या इन्होंने लाखों फॉलोअर्स अचीव किए और क्या क्या स्ट्रेटजी ये फॉलो करती हैं, कितना क्या खजाना कमा चुकी हैं आप अपने बैंक अकाउंट में जमा कर रखा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपसे कि आपने कैसे, मतलब माइंड में आपके कहां से आया कि मुझे ये वीडियोस वगैरह बनाने चाहिए? क्या किसी ने आपको मतलब सजेस्ट किया था कि आप वीडियोस बनाएं? क्या चीज़ें थी वहां पे? मुझे सजेस्ट किसी ने नहीं किया, मेरा मतलब बचपन से ही सपना था एक्ट्रेस बनने का। मतलब डांस मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है जी, सबसे ज़्यादा फेवरेट वही है। मैं माधुरी दीक्षित मैम को देख के डांस करती हूँ, जैसे टीवी वगैरह चलाते हैं तो उसी पर उनके स्टेप्स कॉपी करते हैं। स्टार्टिंग से मेरी आदत हुई है, मतलब घर में इतना अलाउ नहीं था कि वीडियोस वगैरह बनाओ या फिर कहीं बाहर टहलो, घूमो, इतना नहीं। पापा को नहीं पसंद था स्पेशली। अच्छा अच्छा। मेरी मम्मी चाहती हैं कि मतलब मैं कुछ करूं आगे, इसी लाइन में मम्मी चाहती हैं। जी जी। वो काफी सपोर्टिव हैं। अच्छा, बट ऐसा है ना कि पापा मेरे नहीं चाहते हैं कि मतलब वो चाहते थे कि मतलब पढ़ाई लिखाई करके कुछ आगे बढ़ो, बट मम्मा जो है वो बहुत साथ देती हुई है। वैसे मेरी आईडी तो बहुत काफी पहले से बनी थी, बट मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं वीडियोस बनाऊंगी या पब्लिकली पोस्ट करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा। उसके बाद में मम्मी ने मोटिवेट किया कि अगर बनाती हो वीडियो तो इतना अच्छे से बनाओ ना कि आगे बढ़ो, तुम्हें लोग जाने आगे चल के। अच्छा अच्छा। तो मतलब मेरा स्टार्टिंग ऐसे हो गया धीरे धीरे। अभी मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है कंटिन्यूस पे काम करते हुए, 7-8 मंथ्स हो गए होंगे अप्रॉक्स। ऐसे ही 8 महीनों में लाखों फॉलोअर्स कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे ना भोजपुरी कंटेंट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। आपने देखा होगा इनका जो आउटफिट रहता है, नहीं देखा होगा तो जो हमसे जुड़े हुए हैं वो आप आज से इनको जान जाएंगे। बहुत ही गजब के वीडियो और भोजपुरी से रिलेटेड ये वीडियोस बनाती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो भोजपुरी में सबसे ज़्यादा किसके गाने आपको पसंद रहते हैं और किसके गानों पर आप वीडियोस वगैरह रील शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं? बिग फैन ऑफ नीलकमल। नीलकमल सर के हैं वो हीरोइन सॉन्ग, शायद उन्हीं का है। हाँ, और कोई सॉन्ग बताना चाहेंगी आप? और वैसे तो मुझे ज्यादा याद नहीं आ रहा है। तो कुछ तो आइडिया होगा, कोई एक सॉन्ग जैसा होगा कि उस पे आपका फेवरेट सॉन्ग हो, उस पे ज्यादातर आपने बनाई हो? फेवरेट कोई नहीं, अक्सर उनके सारे ही सॉन्ग मुझे अच्छे लगते हैं। भोजपुरी में ऐसे सबकी आवाजें अच्छी हैं। नहीं, मैं सिर्फ एक गाने की बात कर रहा हूँ कि ऐसा कौन सा एक गाना होगा जो आप यहाँ पर बताना चाहेंगी अपने दर्शकों को? ये तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं है। तो जब आप वीडियोस बनाती हैं, नीलकमल सर के गाने आपको पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत से ऐसे वीडियोस बनाए आपने, तो पवन सिंह भी सिंगर हैं और एक्टर भी हैं, फिल्में लेकर आते हैं, खेसारी लाल भी सिंगर है, दिनेश लाल भी हैं और मनोज तिवारी जी भी हैं। भोजपुरी में अगर बात करें तो वहाँ पर बहुत से ऐसे सिंगर हैं, तो उनके गाने क्यों नहीं आपको पसंद है, उस पर क्यों नहीं क्रिएट करते हैं? क्या ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब क्रिएट सारे मतलब सिंगर्स के सॉन्ग पे करती हूँ, रील्स ऐसा कुछ नहीं है जिसके भी निकलते हैं, बट स्पेशली जो मुझे पसंद है। अच्छा अच्छा। तो वो नीलकमल सर पसंद है, लेकिन गाना एक भी याद नहीं है। याद नहीं। This is strong, ना? तो ये सारी चीज़। और आपने बताया कि मैं माधुरी दीक्षित जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, आपने बोला ना उनके डांस की भैया। अच्छा, डांस की फैन है।
तो कौन सा ऐसा कोई गाना होगा जिसको लेकर आप ज़्यादा पैशनेट हुए हों और उनसे इंस्पायर्ड हुए हों और बहुत सारे वीडियोस, मतलब कुछ ना कुछ एक यूनिक निकल के आता है, कुछ ना कुछ उनके अंदर देखते हैं, तो ऐसा क्या माधुरी दीक्षित ने देखा, कौन से ऐसे डांस स्टेप देखे वहाँ पर जो आपको बहुत ही अच्छा लगा? माधुरी मैम के जो कथक डांस होता है आप जानते होंगे, हाँ हाँ जानते हैं, वही मैम करती ना, वही उनके स्टेप्स मुझे बहुत अच्छे लगते। क्या मैं यहाँ पर डांस थोड़ा कराऊंगा इनसे यार, आप लोग यही सोच रहे हैं डांस कराऊँगा, हम समझ रहे हैं आपकी बातें, तो डांस करना चाहोगी क्या हम? लेकिन मैं रील्स वीडियो जो हैं इनके बीच बीच में ऐड कर दूंगा, वहां पर आप देख लीजिएगा, बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियोस आप। जैसे आपने बताया कि हमें 8 मंथ हो चुका था वीडियोस बनाते हुए, तो आपके लाखों फॉलोअर्स हो चुके हैं, तो उसके दौरान बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत घर के लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। जैसे आपने बताया कि फैमिली सपोर्ट में आपकी मम्मा और ब्रदर्स आपके सपोर्ट करते हैं, पापा को छोड़कर पापा को आप पापा भी करने लगे, अच्छा, पापा भी सपोर्ट करने लगे जब से आप इवेंट्स वगैरह में जाने लगे, तो वहाँ पर वो सारे फेजेस बताइए जब आप वीडियोस वगैरह बाहर जैसे बनाने जाते हैं तो कोई ना कोई साथ में जाता होगा, क्या चीज़ें रहती है वो सारी चीज़ें, यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर जनता के सामने पेश करिए जो हमारे व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं यहाँ पे जी। तो मतलब ऐसा है जैसे हम बाहर वीडियोस वगैरह बनाने जाते हैं या मैं अपने मतलब घर की छत पे वीडियोस बनाती हूँ, तो आस पड़ोसी हैं वो ऐसे ऐसे झांकने लगते हैं, देखने लगते हैं कि ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, खिड़की बंद कर लेते हैं, उसके अंदर से भी झांकते रहते हैं, देखते रहते हैं कि ये क्या करती रहती है। अच्छा, ठीक है। और जो मेरे पड़ोस अड़ोस में बहुत पहले बहुत बातें चलती थी कि क्या करती रहती है, नाचती रहती है, ये सब दुनिया की बात, ये बहुत रहता है साला, नहीं क्योंकि कुछ अगर करना है लाइफ में थोड़ा बहुत इग्नोर करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, डजंट मैटर हु द पर्सन टेलिंग ऑन माय फ्यूचर, वही तो फिर बाद में मतलब कोई भी साथ में जाता है तो वीडियोस वगैरह मेरे बना देता है, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ मुझे इतनी है कि मुझे घर पे वीडियोस वगैरह बनाने में दिक्कत रहती है। तो जैसा कि आपने बताया कि जो मोहल्ले के आस पड़ोसी होते हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ कहने लगते हैं कि नाचने वाली आ गई, तो मैं अपना फोन लेकर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, मैं कुछ क्रिएटिविटी करना चाहती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यही उनपे तो मुझे पहली बात तो बहुत गुस्सा आता है, सबसे बड़ी बात है कि मेरा फोन मेरे पैसे लगे हर चीज में, ठीक है मैं नाचती हूँ, ठीक है, तो उनको क्या प्रॉब्लम, अपने बच्चों को वो ना करवाएं। जी जी, सब किसी पे कमेंट पास करने की कोई जरूरत होती नहीं है वैसे। जी जी, आपने जैसा भी सही कहा, और वही लोग रात में ढूंढते हैं यार कोई एंटरटेन करने वाली चीज यार मिल जाए, सोशल मीडिया पे वही लोग खोजते हैं जो सामने से कहते हैं ये, जो ब्लेम लगाते हैं ना वही लोग रात में स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं। जैसे पहले हम मतलब वीडियोस बनाते थे तो लोग कहते थे कि मतलब फालतू में वीडियोस बनाती है, तो कुछ नहीं कर पाएगी लाइफ में, ये है वो है नाचने के सिवा, ऐसे बोलते नहीं, रिश्तेदार भी बोलने लगते हैं, तो ऐसा मतलब मेरा क्या था, मेरे स्टार्टिंग से ही मतलब बहुत ज्यादा मेरा मन क्या, मेरे अंदर से ही मन था जी कि मैं कुछ करूंगी इसी लाइन में, मेरा इतना ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहा, जब मैं वीडियोस वगैरह की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगी या बनाने लगी तो बस यही सब सारी चीजें चल रही थी। अच्छा बताया, जैसा कि आपने रिलेटिव्स का नाम लिया, तो रिलेटिव्स के लिए आपके दिल में क्या भावनाएं हैं वो प्रकट करना चाहेंगी यहाँ पर? शुद्ध हिंदी भावनाएं मत पूछिए उनके लिए, बस तमाचे मतलब ऐसा है, हमको रिलेटिव्स मतलब कुछ ही लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, बाकी थोड़ा जैसे होता ना है कि गांव वाँव से है ना, तो वो लोग पसंद नहीं करते, उनकी जो माइंड थिंकिंग है डेवलप नहीं हो पाती है, वो अपने काम को शायद ये काम नहीं समझते हैं, और लेकिन सब मजे सब लेना चाहते हैं जिंदगी में, एंटरटेन हैप्पीनेस सब चाहते हैं। ये वीडियोस ऐसे ही फालतू में बनते रहते या फिर आपके पेज से, जो आपका इंस्टाग्राम पेज है वहां से भी कुछ खजाने से निकाल रही हो अलादीन के चिराग से? नहीं देखिए, फ्री में तो कोई भी कहीं भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेगा आज के टाइम में, जब किसी को कुछ मिलता है तभी तो आप देखते हो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं या कुछ करते हैं, तो सब पैसे ही मिलते हैं सबको, जैसे हर चीज से पैसे ही मिलते हैं तभी तो वो काम करते हैं, फ्री में तो कोई काम करता नहीं है, तो हाँ मतलब अपना खर्चा आराम से हो जाता है, कुछ दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, इतना खर्चा हो जाता है कि इनके पास में एक, जैसे बोलते हैं ना, एक कीमती फोन, प्रोफेशनल फोन, वो इनके पास में। कौन सा फोन आप यूज करते हैं अभी? आईफोन। आईफोन कौन सा सीरीज का है वो? 13 प्रो मैक्स शायद है।
तो आप आइडिया लगा सकते हैं बल्ला कब अभी फोन आता है वो, और ये यूज कर रही है तो कहीं ना कहीं। और मैंने स्कूटी भी ली है अभी, वो मैं पिक्चर डाल दूंगा यहाँ पर स्कूटी की, और जो भी एक्सेसरीज इन्होंने अभी खरीदी है जो परचेज करी है वो भी इंस्टाग्राम पेज से या फिर फैमिली के सपोर्ट से। तो बताना चाहूंगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, आपके अंदर शिद्दत काम करने की कहीं भी मेहनत आप करोगे ना सफल आपको जरूर एक दिन होना है। बस किसी पे कमेंट मत करो कि हाँ वो ये नहीं कर पाएगा वो नहीं कर पाएगा, पहले खुद को देखना चाहिए। फैमिली सपोर्ट कैसा रहता है चाहे वो आर्थिक स्थिति में हो, क्या कहना चाहेंगी फैमिली सपोर्ट के लिए? मेरी मम्मी पापा, अब तो पापा भी चलो सपोर्ट करने लगे, भाई बहन से लेकर मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। पापा ने ऐसा क्या देख लिया जो आपको सपोर्ट करने लगे, उससे पहले आपको सपोर्ट नहीं करते थे? पैसा। सबसे बड़ी चीज होती है पैसा, पैसे से ही जब तक अगर ये नहीं कमा पाओगे ना तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। करके दिखाओ पापा को कि हम ये करेंगे, और सारी चीजें उसी पर घूम फिर के आती हैं। आप लोगों को देख रहा होगा कि यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे भी कहीं ना कहीं अर्निंग हो रही है। तो पैसे जब आप बनाने लगते हैं तो वहाँ पर चाहे रिलेटिव हो चाहे फैमिली हो कोई भी हो, सब आपकी इज्जत करने लगते हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे आपके कमेंट्स देखे जो वहाँ पर आपके आउटफिट को लेकर के बहुत ज़्यादा ट्रोल्स, ऐसे कमेंट्स, ये क्या ऐसे अश्लीलता वाले भी मैंने कमेंट देखे कि ऐसे शॉर्ट कपड़े पहन के आती हो, क्यों ऐसे बनाती हो ब्राह्मण के अंदर। अच्छा हाँ, ये सारी चीजें मतलब लिस्ट, जैसे आगे 1000 कमेंट हैं तो उसमें 500 कमेंट ऐसे हैं जो गंदे हैं। हाँ। तो वहाँ पर कहते हैं कि ये क्या वो ब्लाउज और ये सब पहन के ऐसे वीडियोज बनाती है, तो भोजपुरी में थोड़ा ऐसा रहता है। तो इसके पीछे आउटफिट को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? भोजपुरी की बात नहीं, आप ले लो माधुरी मैम के आउटफिट ले लो, किसी भी हीरोइंस के आउटफिट ले लो, आप देखोगे तो वो लोग भी ऐसे बनाती हैं, ठीक है, बट वो हीरोइन है उनको आप देखोगे तो वाओ इतनी अच्छी लग रही है, बड़े लेवल पे है ना, बड़े लेवल पे, तो आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और हम लोगों का क्या है, हम लोग जैसे अभी छोटे लेवल पे हैं, कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ वीडियोस बनाते हैं, तो आप मन के माने भी अपना कमेंट कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए जैसे आप कमेंट करने वाले वैसे हम बताने वाले, इग्नोर करने वाले। जवाब अच्छा देने जाते हो कि नहीं कमेंट्स का? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या जरूरत है? बताया तो आपको, सबसे जरूरी है पैसा, पैसा। ये सही बात की। अच्छा, क्वालिफिकेशन की आप अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या कर रही हैं आप अभी? मेरा बीएससी कंप्लीट हो गया, एमएससी फर्स्ट सेम हो गया मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर मैं बात करूं रोल मॉडल की, जो इंस्पिरेशन है आपका, कोई ऐसा है जिससे ज्यादा से ज्यादा आपने सीखा और उसको देख कर आप आगे बढ़ रहे हो? मैंने किसी को नहीं देखा, मैं सिर्फ सॉन्ग देखती हूँ, वो भी 90s के। आपने कोई एल्बम सॉन्ग अभी तक आपने साइन किया है, किसी के साथ किया है? भोजपुरी में तो आप जानते हो कि जैसे एल्बम वगैरह मिलते ही रहते हैं नॉर्मल वगैरह के ना, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि एल्बम सॉन्ग कर लो, बट ना मुझे अभी बिलीव नहीं है किसी पे। आपका कोई फेवरेट सॉन्ग होगा? फेवरेट सॉन्ग जिस आप गुनगुनाती रहती हो रात में या दिन में कहीं फ्री टाइम में? मैं गाने ही बहुत कम सुनती हूँ। अच्छा, मैं आपको गाने की बात करूँ तो आप सुना देंगे क्या, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से? ये वाला हम क्यों सुना है, हम दूसरा सुनाएंगे। लाइन नहीं मार रहा हूँ यार। नहीं गाइस, इन्होंने पिछली बार भी किसी से यही वाला सॉन्ग सुना था, ठीक है, तो मैं वो कॉपी क्यों करूँ किसी की? ये कैप्चर, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, तो मैं ज्यादातर यही सुनता हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो जिससे भी जो भी हमारे फ्रेंड सर्किल में है उनसे भी यही सॉन्ग सुनता हूँ, काफी अच्छा लगता है। तो आप दूसरा सुना दीजिए, लेकिन थोड़ा कुछ सुनाइए, थोड़ा एंटरटेन करिए, हमें भी एंटरटेन करिए, यहाँ पर मैं इतनी दूर से आया हूँ आपसे मिलने के लिए। तो आप तो हंसी रहे हैं बहुत। ये हंसना नहीं कहते, थोड़ा सुकून मिलना चाहिए। अच्छा, फीलिंग्स। जैसे कौन सा सॉन्ग सुना है आपको? मैंने तो अभी बताया, मिले हो तुम हमको एक ही मेरा फेवरेट सॉन्ग है, वो कहती है आप कॉपी नहीं करेंगे, तो आपका जो फेवरेट हो वो सुना दीजिए फिर। 90s के फेवरेट? अरे बिल्कुल सुनाइए, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी कमारे। कमारे और जिनकी शादी वो भी बुड्ढे भी होंगे? अरे नहीं। अच्छा अच्छा, नॉर्मल एज वाले हूँ यार। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, कौन सा सॉन्ग सुना है? जो भी आपको आइडिया, तब तक मैं देख लेता हूँ अपनी डायरी को। ये वाला सुना है, हम यार हैं तुम्हारे? अरे बिल्कुल, व्हाई नॉट, बिल्कुल सुना दीजिए। थोड़ा शर्म आ रहा है पहली बार। शर्माना कैसा? गाइस मैं कोई सिंगर विंगर नहीं हूँ और बहुत बेकार आवाज है मेरी, इग्नोर करना, ठीक है, इतनी सारी अच्छाई देख के एक चीज बुरी है तो वो हटा देना। तो सुना है, स्टार्ट करूँ? बिल्कुल, डेफिनेटली। अरे यार बहुत बेकार लग रहा है। सुनाइए, बहुत अच्छा लगेगा, व्यूअर्स को अच्छा लगेगा।
अभी आपने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या चीजें बेकार क्या लगना है, जो है सुनाइए। बट मुझे खुद की आवाज अच्छी नहीं लगती है कभी कभी, बट मुझे तो लगेगी। सुनाइए। ठीक है, सुना रहे हैं जी। हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो। अच्छा लगा, नाइस सॉन्ग। और इन्होंने हिम्मत बांध के दोस्तों इन्होंने जो ये सॉन्ग सुनाया है, 90 सॉन्ग बताया इन्होंने, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये इनको याद नहीं करना पड़ा, इन्होंने सुना दिया। अच्छा, क्या एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब एक सीरियस क्वेश्चन है, क्या लड़कियां सिर्फ व्यूज़ के लिए वीडियोस वगैरह बनाती हैं, ऐसे शॉर्ट वीडियो शॉर्ट कपड़े पहनती हैं, वो सिर्फ व्यूज़ के लिए अपने आप को मतलब शॉर्ट कपड़ों में करना और लोगों को लुभाना, क्या वही होता है, क्या चीज़ें हैं मतलब व्यूज़ पाने के लिए वो कुछ भी किसी भी हद तक जा सकती हैं? लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ, लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब आप मतलब ये पूछ रहे हैं कि लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं ना? जी जी हाँ। तो मतलब ऐसा होता है, पहली बात तो कपड़ों वपड़ों से किसी को जज नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है, और जो आप वो क्या कर रहे हैं, कौन सी मेहनत करके वीडियोज बना रहे हैं, आप उस पर ध्यान दो। ठीक है, अब जैसे कुछ लोग हैं कमेंट्स करते हैं, मुझे ही लेकर ले लो, कमेंट्स करते हैं क्या ही करना है यार, मेरी चॉइस है, मैं पहनूंगी। और सबसे बड़ी बात है, कुछ आउटफिट अच्छे लगते हैं हम अपने आप, मेरा तो क्या है ऐसा है, जो चीज मुझे अच्छी लगती है हम वही उसी टाइप का पहनते हैं। अच्छा अच्छा, मैं किसी के लिए नहीं पहनती हूँ, जैसे सब लोगों को अच्छे लगते हैं वीडियोस वो लाइक करते हैं। ठीक है, अब ऐसा है जो अपने माइंड में ये लगता है कि लड़कों को लुभाने के लिए पहनती हैं या उनको लुभाने, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं, सब हम अपने लिए करते हैं। और मुझे आप लोग सिर्फ इतना देखो कि वो बंदा मेहनत कितनी कर रहा है, ये मत देखो कि उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है या वो नंगे डांस कर रही है, ऐसा बोलते हैं ना सब। हाँ हाँ, ये सब कह के चले वो नंगे डांस कर रही है, नचनिया है, नचनिया है, आज फॉर्म में आ गई मिश्रा जी, क्रोध बढ़ रहा है मिश्रा जी का। गाइस जो जिस जो जो नचनिया कहा है ना, देख लो बहुत बड़े बड़े क्रिएटर है, उन्हीं को लोग नचनिया कहते हैं, देख लो वो आज वो कहाँ पे, उनके उनसे लोग मिलना है तरसने के लिए, तरस रहे हैं मिलने के लिए। यहाँ की बराबरी है, अर्श से फर्श तक का सफर उन्होंने तय किया, जैसे कि आपने 0 फॉलोअर्स से आज लाखों में फॉलोअर्स हैं आपके, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें निकल के आती हैं, जो लोग कहते थे कि हाँ ये क्या कर पाएगी, शायद ये करके मिश्रा जी यहाँ पर करके दिखा रहे हैं कि हाँ मैंने कुछ किया। इनका नाम बड़ा प्यारा है माही, माही का अर्थ क्या होता है? अर्थ तो आज तक मुझे भी नहीं पता यार, मुझे भी नहीं पता है, कुछ अट्रैक्शन वैसा होता है कि मैं तो अट्रैक्ट होता जा रहा हूँ आपकी तरफ। तो हो जाइए, दिक्कत क्या है। अरे हाय, चलिए एक एक क्वेश्चन और आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, आप लोग भी सीरियस मत लीजिएगा, मैं ऐसा ही रहता हूँ, ये भी ऐसे मस्त रहती हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हम लोगों का कहना है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप अंबानी जी को कितना क्रेडिट देना चाहोगी अपने सोशल मीडिया पर? अंबानी जी को जी, वो क्या करते हैं मेरे लिए? आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, वो सबके लिए कर रहे हैं, जियो यूज करते हैं ना आप, तो उनके लिए क्या कहना? तो उनके लिए डायरेक्ट थैंक यू सो मच। बाकी मुझे कोई नॉलेज नहीं है क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कुछ भी नॉलेज नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई ऐसा आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट आया होगा जहाँ पे आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए होंगे, ऐसे फेजेस आएंगे सोशल मीडिया को लेकर या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर? मैं पर्सनल लाइफ भी पूछ रहा हूँ, सोशल मीडिया से रिलेटेड कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ आपसे। तो क्या कुछ ऐसा है? सोशल मीडिया को लेकर तो कभी कोई टेंशन ही नहीं हुई, सबसे बड़ी बात है। बट मेरा जो पर्सनल है थोड़ा सा, पर्सनल को मैं मतलब मैं हमें थोड़ा परेशान हुई हूँ, या तो फैमिली को ले लो या अपना खुद का रीजन लेकर आप देख लो, तो मैं परेशान हुई हूँ, ये बात तो है। परेशान होते रहते हैं कभी ना कभी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं सबके साथ होती हैं। खुश और जिंदगी, खुशी और गम तो आते जाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी जैसे फेस करो यार, सब लोग फेस करो, और जिंदगी में ये नहीं है तो कुछ नहीं। प्रभु श्री राम ने जब 14 साल का वनवास उन्होंने किया, तो जब वो भगवान यहाँ पर आकर के इस पृथ्वी पे जो भी आया है अपने कर्म करके गए हैं, बस बस अपने उनको देखकर, वो वहां पर गए नहीं थे, उनको देखना चाहिए आपको, भगवान है वो ऐसो आराम की जिंदगी जी सकते, लेकिन उन्होंने दिखाया कि हम यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ पर हमें देख करके कुछ सीखिए, यहाँ पर अपनी जीवन में उतारिए, कि वो भगवान होते हुए भी उन्होंने कष्ट उठाया 14 साल वनवास करके, और उनके साथ में सीता माता, वो रह सकती थी महलों में, लेकिन उन्होंने पत्नी व्रता का धर्म निभाते हुए वो आगे चलकर उनके साथ में गई, लेकिन वो ऐसो आराम की जिंदगी, उन्होंने भी सिखाया कि पत्नी व्रता धर्म क्या होता है। तो आजकल जो भी जो कपल्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है, तो उनसे सीखना चाहिए, बात बात में छोटी छोटी बातों पर लड़ जाती हो, शर्म करनी चाहिए उनके लिए, भगवान से सीखो यार, है कि नहीं? अच्छा मैं सीरियस कह रहा हूँ, सही चीजें हैं कि नहीं? अब आपको एक बात बता दें गाइस, अब ना तो कोई राम है ना सीता, सब रावण है और सूर्पनखा है।
गाइस रावण मेरा खानदानी का ठीक है, पंडितों का इसीलिए मैं सबको रावण समझती हूँ, किसी को वो राम नहीं समझती यार कुछ भी मतलब है। तो राम किसी को नहीं समझते, जिस दिन राम चले जाएंगे धरती पर से उस दिन ये दुनिया भी नष्ट हो जाएगी। हैं तो भगवान बट मुझे दिखते नहीं है इंसानों में अब। नहीं नहीं होते हैं सारे के सारे लोग। चलो आज से मैं आपके अंदर राम देख रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस लायक मुझे समझा, लेकिन वो तो बहुत बड़ी चीज है। मैं रावण की चलो अच्छा, कोई ऐसा हैप्पी मोमेंट आया होगा आपकी लाइफ में जिसमें ज्यादा बहुत ज्यादा आपको मजा आया हो, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मिली हो, ऐसा क्या कहना चाहेंगे? आप फैमिली के साथ में आपने टाइम स्पेंड किया तो करती होंगी, तो उनके साथ में कुछ ऐसी चीजें शेयर करी होंगी जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा खुशी मिली हो। मैं इस टाइम बहुत खुश हूँ। अच्छा किस लिए? क्योंकि मेरा घर बन रहा है लखनऊ में। अच्छा, इस वजह से मैं तो आपको लखनऊ जाना पड़ेगा अब तो है। हाँ, तो आप वही शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा तो सीतापुर से नहीं मतलब रहेगा? लो मैंने रिवील भी कर दी, ये सीतापुर के रहने वाली है। इन्होंने बताया नहीं था। अब आप ढूंढते रहिए कि कहाँ पर रहती हैं, अब ये ऐसे नहीं मिलेंगी। अब रूमी गेट यही सब जितने भी पार्क हैं वहाँ के बचेंगे नहीं अब है। हाँ सही बात है। तो कब तक आपको जाना है वहाँ लखनऊ में? अभी मतलब अभी तो मतलब घर वर बनने का मतलब सब हो गया है जी, स्टार्टिंग अभी हुई नहीं है। अच्छा अच्छा, आपके फैमिली में कितने लोग हैं? How many members in your house? सेवन मेंबर्स। तो आपके पापा क्या करते हैं? पुलिस में है पापा मेरे। पुलिस डिपार्टमेंट में है, काम करते हैं, तभी इनको डांटते रहते हैं क्या कर रहे हैं गाइस, कोई लोग आ मत जाना घर में पता चले बदमाशी नहीं होनी चाहिए। और जो लोग कमेंट को देख के पता चले आ जाओ कूटे जाओ। फाइनली दोस्तों अब वो घड़ी आ गई है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। इस क्वेश्चन को सारे लोग जानना चाहते हैं कि एक सुंदर सी बला किसी के प्यार में तो नहीं पड़ी है, किसी ने प्रपोज तो नहीं किया? Someone has proposed to you? That is my question. क्या आपको किसी ने प्रपोज किया है? समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? अब ये दिमाग लगा रहे हैं क्या कहें? क्या लगाइए लगाइए और अच्छा बताइएगा यहाँ पर जो भी है, दिल थाम के खड़े हैं ना, वही वाले लाइन्स याद आ रही बार बार, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? दिल मत तोड़िएगा बच्चों का। नहीं नहीं दिल भी नहीं तोड़ते हैं, हम बहुत साफ दिल के हैं, आप अभी इस इंटरव्यू के बाद जान जाएंगे। तो गाइस सबसे मेन बात ये कहेंगे, आजकल कोई दूध का धुला नहीं है, ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और सबके मतलब अगर आप देख सकते हो तो पास्ट में सबके थोड़ा बहुत तो सबका रहता है। थोड़ा बहुत क्या होता है? थोड़ा बहुत मतलब अफेयर्स रहते हैं ना, अफेयर्स नहीं इतना ज्यादा नहीं रहते हैं। मतलब अब जैसे आप दोस्त बना लो, किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, आप जैसे मैं आपसे दोस्त मतलब दोस्त मान के आपको बात कर रही हूँ, आपके मन में मेरे लिए क्या है हम जान सकते नहीं ना, दूसरे के मन का नहीं जान सकते। तो ऐसे मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि प्रपोजल नहीं आए, बहुत सारे आए। बेइज्जती नहीं होने दी? नहीं इतना एक्सेप्ट भी नहीं किए, मतलब एक्सेप्ट वगैरह का ये कुछ नहीं, बट हाँ फ्रेंडशिप मेरी लड़कों से बहुत मतलब अच्छे खासे मेरे दोस्त भी बने हैं। और हाँ जो मिलते हैं कभी कोई, जैसे मेरी बात होनी बंद हो गई या कुछ है, बट मिलते हैं कभी की बहुत अच्छे हैं, मतलब वो लोग अच्छा अच्छा अच्छे से बात करना है, माही जी करके बात करते हैं, कोई भी ये नहीं है। अगर जैसे कुछ लोग कहते हैं ना किसी के घर में फाउंडेशन होती, लड़कों से दोस्ती मत करो, ये मत करो, लेकिन आपके घर में ऐसा कुछ नहीं है? तो कितने तो कितने मतलब कॉलेज लाइफ में आपको प्रपोजल दिए हैं या फिर राह चलते किसी ने देखा और पीछा करने लगे कि ये लड़की बहुत अच्छी, आपकी गली से गुजरने लगी वहाँ पर आपकी प्रपोजल्स है, कैसे क्या आई लव यू किसी ने बोला होगा ऐसा कुछ? राह चलते वालों पे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। जो ऐसे कॉलेज लड़कियों पे मुझे तो बहुत गुस्सा आता है सबसे। तो वही चीजें, एक ऐसा कोई सीन क्रिएट हुआ वो बताइए यहाँ पे। ऐसा कोई सीन एक है क्या? अरे ये भी सही है गाइस, देखो देखो ऐसा होता है ना, सीरियस मत लेना, कॉलेज लाइफ है, अभी इतने बड़े हो गए हैं तो सभी सबकी लाइफ में होता है। लोग प्रपोज करते हैं नहीं करते हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका आंसर क्या देते हो। बट ऐसा मेरा मानना ऐसा है जो अब का मैं सोचती हूँ कि मतलब लाइफ में मैं कुछ करना चाहती हूँ, अब इन चक्करों में पढ़ना नहीं चाहती हूँ। बिल्कुल सही, मेरा बिल्कुल मतलब मूड होता ही नहीं है किसी से बात करने का या कुछ करने का, मूड नहीं बनता, नहीं मन ही नहीं होता मेरा बात करने अच्छा, का अच्छा। किसी के लिए इतना चाहे जितना कोई अच्छे से बात करे या कुछ। जी जी, तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे मतलब शॉर्ट वे में बताइएगा, प्यार आपकी नजर में क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, कोई डेफिनेशन होगी? कोई डेफिनेशन नहीं, प्यार की होती डेफिनेशन। आप पता नहीं कहाँ सोच रहे हैं, प्यार की एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन होती है, जो आप एक्सप्रेस करना चाहें वो बता सकते हैं आप। प्यार का मतलब सिर्फ मैं वहाँ जाना नहीं चाहता, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कितने पानी में हैं, कैसे आप प्यार की डेफिनेशन को कवर कर रहे हैं, तो आप बताना चाहेंगी?
जब कोई अच्छा मिला ही नहीं है तो प्यार की डेफिनेशन इंसान कैसे बता सकता, आप लोग बताइएगा। मम्मी पापा मेरे हैं जो हमसे प्यार करते हैं, वो तो सबके ही करते हैं और सब लोग जानते हैं ये चीज, बट ऐसा कोई खास नहीं इतना जिंदगी बस में। मैं यही सारी चीजें मैं जानना चाहता था इनसे, और इन्होंने बताया कि मम्मी पापा पेरेंट्स, असली लव यही होता है। मतलब जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो आ जाए कल चले गए, बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आती हैं, लेकिन एक लव की डेफिनेशन, भाई बहन भी प्यार करते हैं, माँ बाप भी प्यार करते हैं, रिलेशन वाले भी प्यार करते हैं कुछ लोग, समझ रहे, कुछ लोग रिलेशन। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कहते हैं कि प्यार में क्या होता है, प्यार में बहुत ताकत होती है। आज जो भी ये दर्शक हैं देख रहे हैं आपको, जो आपके फॉलोअर्स हैं, वो फॉलोअर्स नहीं आपकी फैमिली है, हाँ जी, वो भी आपसे कहीं ना कहीं प्यार करते हैं, तो इसीलिए आपके साथ में बॉन्डअप है आज उनका, और आपके सारे रील्स हो चाहे वो देखते हैं और शेयर करते हैं, माही जी सो ब्यूटीफुल, ऐसे कमेंट्स आते हैं। सैड वाले वीडियो डाल दूं तो मतलब भर भर के कमेंट आएंगे, क्या हो गया क्या हो गया भाई, इसी से लगता है, लोगों को लगता है मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती। तो अपने दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगी? तो गाइस यार, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं देखती हूँ कि आप लोग इतना नोटिस करते हो मुझे कि हाँ क्यों रो रही हो, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई, इनबॉक्स मेरा भरा पड़ा रहता है इन चीजों से है। फिलहाल मैं इनबॉक्स चेक नहीं करती हूँ, कभी हो गया 15 दिन 20 दिन में चेक कर लेते हैं एक बार, तो देखते हैं कि हाँ मैसेज किए। बहुत सारे लोग जो मतलब मेरे शहर के वो भी लोग करते रहते हैं कि आप रिप्लाई क्यों नहीं देती हो गाइस। अच्छा, ये सारी चीजें शिकायत रहते हैं। तो दोस्तों ये बात बता दें, आपको बहुत सारे हजारों रिक्वेस्ट्स पड़ी होंगी आपके अकाउंट पे, तो वहाँ पर सबको जवाब देना मुमकिन नहीं हो पाता है इतना, तो इतना हो सकता है कमेंट दे दिया करिए उनको, दिल तो भेज ही दिया करिए। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो ना यार, बिल्कुल अच्छे अच्छे करेंगे, अब फालतू के वल्गर्टी वाले कमेंट्स करते हैं तो कौन रिप्लाई करेगा, सबसे बड़ी बात ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत ही अच्छा लगा इनके साथ में वीडियो बना करके, इंटरव्यू लेकर के काफ़ी अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रही हैं, और काफ़ी अच्छे वे में, मतलब वे ऑफ टॉकिंग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें अपनी बातों को प्रेजेंट किया आप लोगों के सामने। जो आप पर्सनल लाइफ के बारे में, आप इनके बारे में जानना चाहते थे, वो शायद मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं, नहीं करी हैं तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप बताइएगा, दोबारा से फिर से मिलना होगा इनसे और वो सारी चीज़ें कवर करेंगे हम लोग। ज़्यादातर हमने शायद कवर कर लिया है, अगर आप अपनी तरफ से कुछ यहाँ पर बताना चाहती हैं तो वो भी बता सकते हैं आप। अपनी तरफ से तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, मैं जितना पूछूंगा जो मैं पूछा है वही बस आंसर मिला है मुझे, कुछ चीज़ें इंक्लूड करी हैं। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ तो रही गई, जैसे भोजपुरी में आप बनाते हैं तो भोजपुरी का कोई भाषा, कोई डायलॉग वो बोलना चाहेंगी यहाँ पे? हाँ हाँ गाइस, ये तो मेरा फेवरेट है, कुछ बनता है थोड़ा सा। हाँ हाँ बताइए। तो गाना सुना दूं मैं? गाना सुनाइए, वही तो मैं कह रहा था, नीलकमल का कोई फेवरेट सॉन्ग तो आपने कहा मुझे याद नहीं रहा, सब कंफ्यूजन में आप क्रिएट कर दिया। तो अब तो आपके सामने कैमरा है, कम से कम आप तो बता सकते हैं, भोजपुरी के इतने बड़े दीवाने हैं आप। दीवाने तो है, लेकिन पता नहीं क्या मेरे दिमाग में क्या बैठ गया, मुझे पवन सिंह के सॉन्ग याद आ रहे हैं। सुना दो उन्हीं के, सुना दो, कौन सी दुश्मनी है। हाँ तो गाई सुना रहे हैं, एक सॉन्ग है ऐसे, दिलवा तो दिए देनी अब ये करे जा जहान ले बुका हो मोहब्बत के, पता नहीं इसके आगे गाइस मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। और कोई डायलॉग जो है आपको बहुत ज्यादा फेवरेट लगता है, अच्छा लगता डायलॉग? फिर खा गई, अब नहीं निकलेगा, अब यहाँ तक है पेट में, यहाँ तक आ गए, अब नहीं, अब वोमिटिंग नहीं कर पा रही। चलो कोई दिक्कत नहीं, और काफ़ी अच्छा लगा। तो आपको हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, आपने हमारे हमको टाइम दिया, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली सपोर्ट फॉर मी एंड माय ऑडियंस, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए? गाइस सब लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करो और जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, सब लोगों के इंटरव्यूज देखने को मिलेंगे और बात करने में तो बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ये चीज कहनी बनती है भाई, देखो बहुत नेचर के अच्छे हैं। थैंक यू, आपका आभार, ऐसे ही सारे लोगों का प्यार मिलता रहे और ऐसे ही आप लोगों के लिए हम ऐसे अच्छे अच्छे लोगों से इंट्रोड्यूस करें, आप अच्छे हैं तो शायद हम भी उसी तरीके से आपसे बात कर पा रहे हैं। हाँ जी, चलिए बाय बाय, टाटा गाइस, बाय बाय।